વિરામબાદ કોમોડિટી બજારમાં આપનું સ્વાગત છે. હવે આગળ વધીએ તો એક્સિસ બેંકની બ્રોકિંગ કંપની એક્સિસ સિક્યોરિટીઝ હવે કોમોડિટી માર્કેટમાં પણ ટ્રેડિંગ કરાવશે. એમસીએક્સની મેમ્બરશીપ દ્વારા કંપની હવે કોમોડિટી માર્કેટમાં પણ પ્રવેશ કર્યો છે. કંપનીએ ઝીરો બ્રોકરેજ પર ટ્રેડિંગની શરૂઆત કરી છે અને આ અંગે એક્સિસ સિક્યોરિટીઝના એમડી અને સીઈઓ અરુણ ઠુકરાલ અને એમસીએક્સના એમડી અને સીઈઓ મૃગાંક પરાંજપે સાથે અમારા સહયોગી સિલ્કી સીએ વાતચીત કરી હતી. આવો જોઈએ તેમને શું કહ્યું. किस तरह का फर्स्ट मूवर एडवांटेज आप देख रहे हैं और किस तरह का रिस्पांस एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? सबसे पहले हम आए इसी आपको पता लगना चाहिए कि हमारा इंटरेस्ट बहुत है और हमारा बहुत फेथ है कि कमोडिटी मार्केट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जाके बहुत बड़ा होगा. तो इसलिए पहले से ही आपको जाके अपना सब सिस्टम सेट करके कस्टमर को एजुकेट करके इसको बहुत बड़ा करना है. तो कुछ हंड्रेड्स में और कल तक थे और अभी थाउजेंड्स में कुछ नंबर आ गया है जिन्होंने एनरोल किया है एंड हमारे पास एक बड़ा कस्टमर बेस है और अब हम जाके उन सबसे बात करने वाले हैं कि और इस प्रोडक्ट के बारे में उनको बताने वाले हैं कि कैसे करना है, कैसे सीखना है, चाहे वो हेजर है उसमें से जो उसको कुछ आइडिया है और इन्वेस्टर है. एक जो रेगुलर इन्वेस्टर है जो कहीं बाहर ट्रेड कर रहा था वो यहाँ पे वापस आएगा और हमारे जो नए कस्टमर हम डेवलप करेंगे. तो ये आइडिया आप देख रहे हैं कमोडिटीज के लिए कितना हेल्प करेगा और कैसे वॉल्यूम्स में ग्रोथ आएगी इससे? ये सब बैंक सब्सिडीज बहुत बड़ी होती हैं, इनका जो प्रोसेस होता है ऑनबोर्डिंग का वो भी काफी समय में शुरू हो जाता है. तो दो तीन साल तो लगेंगे ये पूरा बेनिफिट आने के लिए, लेकिन उसमें 15 से 20% तो जरूर बढ़त आएगी. अच्छा, दूसरे बैंक लेड ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से आपको क्या अप्रोच किया गया है? उनकी तरफ से आपके पास पार्टिसिपेशन के लिए टाइप के लिए कुछ रिस्पांस मिला है? तो इस समय 3 या 4 से ज्यादा बैंक सब्सिडीज हमारी मेंबर बन चुकी हैं. उनके जो लॉन्च की तारीख है या उनका क्या प्लान है ये मैं आपको अभी नहीं बता सकता. सर, आपसे भी जानना चाहेंगे, आपने बोला आपका कस्टमर रिटेल बेस काफी बड़ा है, किस तरह से पार्टिसिपेशन इंक्रीज करने के लिए कमोडिटी डेरिवेटिव में आप स्टेप्स लेने वाले हैं? आपने बताया था कि ब्रोकरेज नो ब्रोकरेज रखा जाएगा, तो क्या स्टेप्स ले रहे हैं आप ताकि पार्टिसिपेशन इंक्रीज किया जाए? नो ब्रोकरेज तो ऑब्वियसली कुछ दिनों के लिए रखा जाएगा ताकि इन लोगों का कुछ इंटरेस्ट पैदा हो जो लोग पहली बार इस मार्केट में आ रहे हैं और उनको बेसिक आइडिया है. दूसरा, हम एक जगह जगह वेबिनार करेंगे, उनके थ्रू बताएंगे और हमारा जो ऑलरेडी कस्टमर बेस है और उनको हम रेगुलर मेल्स भेजते हैं तो उसमें एक एडिशनल प्रोडक्ट की तरह रखेंगे. और सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि हमारी जो रिसर्च टीम है वो एक अच्छा ऑन ए डेली बेसिस पर रिसर्च निकालेगी और हमारे डीलर्स भी जो बात करेंगे जो स्पेसिफिकली इसके लिए हमने हायर किए हैं अपने कस्टमर बेस से, जो हमारे मैप्ड कस्टमर हैं, जो हमारे एचएनआई कस्टमर हैं या रिटेल कस्टमर हैं, उनसे जाके बात करेंगे. तो ये सब तरीके से मिलके कस्टमर को एजुकेट करना, उसको हैंडहोल्ड करना और फिर उनको थोड़ा सा इसके बारे में सिखाना, तब जाके धीरे धीरे हम लेके आएंगे और यही हमारा इमीडिएट ऑब्जेक्टिव है. आपसे जानना चाहेंगे कि 1 अक्टूबर से जो बाकी एक्सचेंजेस भी कमोडिटीज में एंटर कर रही है तो किस तरह का कॉम्पिटिशन आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में? 1 अक्टूबर के बाद जब बाकी एक्सचेंजेस भी आ जाएंगे तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि कमोडिटीज का पूरा मार्केट जो है वो काफी हद तक बढ़ जाएगा. हमारा जहां तक मार्केट शेयर है, जिस प्रोडक्ट्स में हमारी अभी तक बढ़त है, उसमें हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा मार्केट शेयर उसी तरह बरकरार रहेगा. આપણી જોડે મોતીલાલ ઓસવાલના જીગર ધરમસિંહ જોડાયેલા છે. જીગરજી, જોવા જઈએ તો જે રીતે આજે એક્સિસ સિક્યોરિટીઝે એક નવી શરૂઆત કરી છે એમસીએક્સ સાથે મળીને, તો જે લોકો ખાસ કરીને કોમોડિટીમાં ટ્રેડિંગ કરે છે તેવા ગ્રાહકોને આવનારા દિવસોમાં શરૂઆતના કારણે શું લાભ જોઈ રહ્યા છો? જી, હવે તો જેવી રીતે એક્સિસે બી સ્ટાર્ટ કર્યું છે કોમોડિટીઝમાં, કોમોડિટીઝનો ફ્યુચર ખૂબ જ બ્રાઇટ છે. ધીરે ધીરે વોલ્યુમ્સ વધતા રહેશે અને જેવી રીતે ઓપ્શન્સ બી આવી ગયા છે તો એના લીધે હેજર્સ અને હેજર્સ માટે બી એક બેટર ઓપ્શન્સ એક ઓપન થઈ ગયા છે. તો ગોલ્ડ સિલ્વરમાં ક્રૂડમાં ઓલરેડી ધીરે ધીરે વોલ્યુમ્સ બિલ્ટઅપ થતા બી જોયા છે ઓપ્શન્સમાં. તો ઓવરઓલ એક પર્સ્પેક્ટિવ જોવા જઈએ તો કોમોડિટી અને બાકી જે નવા નવા બેંક્સ અને એક્સચેન્જર્સ જોડાઈ રહ્યા છે આગળ જતા, તો કોમોડિટીનો ફ્યુચર એકદમ બ્રાઇટ દેખાય છે અને જે વોલ્યુમ્સ છે એને સ્લોલી એન્ડ ગ્રેજ્યુઅલી ખાસા એક ઇમ્પ્રુવ થશે. હવે આગળ વધીએ, ક્રૂડની વાત કરીએ તો ઉત્પાદન ઘટવાના અનુમાનથી કાચા તેલમાં ઉપરના સ્તરેથી ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. બ્રેન્ટ માલ $75 ના સ્તર અને